कान खोल के सुन लो लड़की, मेरे कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ना मेरे लिए खाना बनाने की, समझ गई? बाप नहीं हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारा बाप वो था जिसे इसके लिए तुम रोता हुआ छोड़ के आई थी, समझे? पप्पू, रात के खाने में क्या पकाना है मुझे बता दे, मैं बना लूं। अरे थोड़ा सा जहर ला के खिला दो पप्पू को बस। क्या ये किसी बातें कर रहे हैं आप? देखो लड़की, हमारे घर की बहुओं और बेटियों के ये तौर तरीके नहीं है कि वो शोहर की खामियों को मैके में बयान करें। जी ज्यादा ना नन्नी काकी बनने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम अपने मैके में चोलियां लगा रही थी। मैं अपनी बहन से बात कर रही थी। हैं? यार तेरी हिम्मत कैसे हुई औरत लड़की से बात करने की? वो बहन है मेरी। बहन नहीं है, पिछल पैरी है, पिछल पैरी। अब वो आवारा घर से भागी हुई लड़की तुझे बताएगी घर बसाने के तरीके और गुर? उसने मुझे कुछ गलत नहीं बताया, वो मेरा भला चाहती है। अरे तू नहीं जानती, उस कुंभक का अपना घर तो बसानी, तेरा भी नहीं बसने देना चाहती वो। लेकिन शोहर के मामले में तो हम दोनों का नसीब एक जैसा ही है ना। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया है? उस आवारा जाहिल गंवार बिलाल को तेरे चांद जैसे बेटे से मिला रही है? अरे वो तो जानवर है जानवर, पीट के रख देता है माहिन को। और मेरे बेटे ने कभी चुप से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। पर हक तलफी तो दोनों जगह है ना हुको, वहाँ माहिन के साथ और यहाँ मेरे साथ। वाह भाई वाह, बहुत लंबी जबान है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था तेरे मुंह में इतनी लंबी जबान है। लेकिन होती कैसे? होनी तो थी। अरे जिस माँ की बेटी हो जाहिर है उसी के नक्शे कदम पे चलोगी ना। हुको मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आइंदा मेरे सामने अम्मी के लिए इतनी कड़वी बात मत कीजिएगा प्लीज। ये लंबी जबान है तेरे मुंह में कमबख्त, आने दे जरा शाहजेब को, आने दे। अरे दो पड़ेंगे ना मुंह के ऊपर तो पड़ी भी होगी मुंह के बल। इसको तो बिलाल जैसा गंवार मियां मिलना चाहिए कमबख्त। देखा अम्मा कितने अफसोस की बात है, दो कौड़ी का कर दिया तुम्हारी बहू ने तुम्हें, आई माफी मांगने? नहीं ना भाई, सास तो माँ की जगह पर होती है, उससे माफी मांगने में क्या शर्म। लेकिन तुम्हारी बहू तो अबे भाई बड़ी अकड़ है उसमें, बड़ी अकड़। अरे देखना तुम, मैं भी उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक कि वो यहाँ आके गिर के मेरे पैरों में माफी ना मांगे, देखना तुम। अरे अम्मा तुम बड़ी भोली हो ना, तुम्हें तो मेरी बात की समझ ही नहीं आई। मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगी तो उसे तो मौका मिल जाएगा, वो तो चाहती है कि तुम गायब रहो और वो घर में आजाद घूमती फिरे, सुबह जाए शाम को आए, कोई पूछने वाला ना हो, घर का बेड़ा गर्क कर दे वो। हाँ सही कह रही है। तो मेरे भाई का क्या है, वो तो सुबह नौकरी पर जाता है और शाम को वापस आता है, तुम्हारे ही मोहल्ले में 10 चक्कर चला लेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी इज्जत का जनाजा ना निकाला ना तो मेरा नाम बदल देना। क्या क्या? अरे अम्मा मैं तो कहती हूँ तुम्हें उस घर में फौरन जाना चाहिए, जरा जाओ और उसका जीना दो भर कर दो। लेकिन तुम्हें देखो, तुम तो यहाँ तकिए पे टेक लगाए हार माने बैठी हो। अरे हार मानती है मेरी जूती, देखना तुम जाकर उसकी कैसी अकड़ निकालती हो, जूती निकाल कर वो दुर्गत बनाऊंगी उसकी के बस। सही कह रही हो अम्मा, मैं फिर तुम्हारा सामान पैक करती हूँ। हाँ हाँ रुक जा, तू तो एक पाँव पे खड़ी है मुझे यहाँ से भेजने के लिए, आज नहीं जाऊंगी कल सुबह जाऊंगी मैं। अरे अम्मा अब तुम तो नाराजी हो गई, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हें पता है साजिद कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, मिठाई लेकर आऊंगा जो तुम्हारी अम्मा को पसंद है, वो कौन सी वाली है? बालूशाही। हाँ वो कह रहा था लेते हुए आऊंगा। हाँ 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 1 किलो मंगाना है, ये नहीं कि 1 पाव 1.5 पाव मंगा दे तू कंजूस। मेरी अम्मा के लिए किलो क्या, 2 किलो मंगा देती हूँ बोलो तो। नहीं किलो ही बहुत है। ये ना आज सब कुछ आपकी पसंद का बनवाया है। ये क्या सूजी थी? आज किंजा ने सब कुछ आपके लिए बड़े प्यार से बनाया। ऐसे बदमजा खाने से बेहतर था जहर दे देती मुझे तुम। कान खोल के सुन लो लड़की, मेरे कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ना मेरे लिए खाना बनाने की, समझ गई?
बाप नहीं हूं मैं तुम्हारा। तुम्हारा बाप वो था जिसे इसके लिए तुम रोता हुआ छोड़ के आई थी, समझी? जाओ, नखरे उठाने तुम ही जाओगे ना। गलत अब क्या देख रही हो मेरा मुंह? जाओ, जो भी दाल रोटी है लाके दो मुझे। डैड मुझसे नाराज होते थे तो मैं उनकी फेवरेट डिश बना के उन्हें मना लेती थी। अब इतने प्यार से मुझे गले लगा लेते थे। और तुम्हें लगा कि अब्बू भी तुम्हें गले लगा लेते? किंजा, अब्बू और मामू में बहुत फर्क है। अम्मी को देखा है कभी? हर वक्त इस कोशिश में होती हैं कि अब्बू को शिकायत का मौका ना दे। हर चीज उनकी पसंद नापसंद से करती, सांस भी उतनी लेती हैं जितनी अब्बू की इजाजत है। जब अब्बू उनसे कभी खुश नहीं हुए तो तुमसे कैसे हो सकते? हाँ, कि मैंने सोचा कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैं तुम्हारी कोशिशों को नहीं रोक रहा, लेकिन फिर जो तुम इस तरह रोती हो ना, रोकना पड़ता। मैं इस वजह से नहीं रो रही थी, बस अचानक डैड की बहुत याद आ गई तो रोना आ गया। क्यों, वो भी ऐसे ही डांटते थे? जी नहीं, वो तो मुझे कभी नहीं डांटते, शहजादियों की तरह रखते थे। मैं जानता हूं किंजा, तुमने मेरी खातिर बहुत सी कुर्बानियां दी और उस घर की तरह तुम्हें यहाँ सारी आसाइशें और इतनी आजादी नहीं मिल सकती। ऐसी बात भी नहीं है, मुझे तुम्हारा और फूफो का इतना सारा प्यार जो मिला है, बस एक दिन अल्लाह करे कि रईस अंकल भी मुझे एक्सेप्ट कर ले। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और तुम अब्बू की बातों को ना दिल पे मत लिया करो, वो तो है ही ऐसे, और हम सबको भी आदत है उनके गुस्से की। हाँ, लेसन लर्न्ड, अब तो कोई बात दिल पे नहीं लूंगी। अच्छा, मैं सोची थी कल हम घर जा सकते हैं, मुझे ना मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। ठीक है, बिल्कुल जा सकते हैं। और कुछ? और मुझे भूख लग रही है। खाना खाए। चल। कहाँ थे शाजिद? काम में फंस गया था। तुम हिना के साथ थे? अता, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ मेरे मामला से दूर। कहाँ था, किसके साथ था, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखो। तुम्हारे लिए इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए रिश्ता बहुत मायने रखता है। मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगी। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। तुमसे ज्यादा मैं हिना को जानती हूँ। उसकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई, लेकिन मैं उसे हमारी जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। शाहजेब, ऐसी लड़कियों का कोई जर्फ नहीं होता, वो कम जर्फ होती है, ना उनकी नजर में अपनी इज्जत होती है, ना दूसरों की घटिया औरत है वो। चुप करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ना के बारे में ये सब कहने की? ऊपर देखो, हिम्मत कैसे हुई है ना के बारे में ये सब कहने की? तुम यहाँ अम्मी की जिद की वजह से मुझसे कोई रिश्ता बनाने की या मुझ पे हक जताने की कोशिश मत करना। तुम ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर है। हाँ, Oh।
खोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देख रहा है बिलाल, तेरी बीवी ने आते ही मुंह लटका लिया, ना सलाम ना दुआ, मुंह बना के इधर चली गई। माहीन, माहीन, मैं क्या सुन रहा हूँ? सलाम नहीं किया तुमने खाला को? सलाम किया तो था मैंने। हाय हाय, कब किया था सलाम? मेरे मुंह पे झूठा कर रही है, देख ले तुझे। हैं बिलाल, मैं तुझे कह रही थी ना मत ला मुझे वहां से, तू ही जिद करके लेके आया। देख ले मेरी औकात है, तेरी बीवी मुझे सलाम करने के लायक नहीं समझती। माहीन, ये क्या तरीका? माफी मांगो। किस चीज की माफी मांगू मैं? देख देख कैसे आंखें दिखा रही है ये हैं? माँ बाप की नाफरमान, शौहर की नाफरमान, अरे किस बात की अकड़ है इसे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? माफी मांगो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए माफी मांगो। नहीं मांगू। नहीं मांगोगी माफी? आज या तो तुम माफी मांगोगी या तो फिर इस घर से बाहर जाओगी। हाँ हाँ हाँ, निकाल इसे फौरन घर से बाहर निकाल। जाए दायन इस घर से कहीं, ये फिक्र मत करना कि ये दायन जाएगी कहाँ। हर राह चलते से तो यारी घाट लेती है ये हैं। अरे ये तो कहेगी कि जान छूटी बला टली, नए नए लोग मिलेंगे ना याशियां करने के लिए इसे। बस कर दे अब आप, तंग आ चुकी हूँ दोनों की बातों से। हर वक्त मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाते रहते हैं दोनों मिलकर। अच्छा बस, ज्यादा नहीं बोलो, अंदर जाओ, जाके कुछ खाना वाना बनाओ, भूख लग रही है मुझे। रहने दे इसके हाथों का बदजायका और मनहूस खाना मुझे नहीं खाना। वैसे कर बाजार से बिरयानी पकड़ ला, हैं मुर्गी वाली अच्छी सी रायते के साथ। अरे इस कम्बक का क्या भरोसा, अगर जहर मिला दियो तो दोनों अपनी जान से जाएंगे हम। अरे नहीं खाला, उसकी इतनी हिम्मत, खाने में जहर मिलाएगी, उसकी तो लगाव में मैंने खींच रखी है। हाँ ये हुई ना बात, अब आया तू लाइन पे हैं? ऐसे इनको टाइट करके रखना चाहिए, बीवियों को जूती की नोक पे रखो तो ही सही रहती हैं। जाओ 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 बिरयानी लिया चल। क्या बात, कुछ कहना चाहती हो ना मुझसे? तुम्हें कैसे पता? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत एक्साइटेड लग रही हो आज। बताओ क्या बात? अम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं। क्यों मुझसे? वो एक छोटी सी तकरीब करके मुझे तुम्हारे साथ रुखसत करना चाहती हैं। क्या रुखसती? हाँ इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है, आखिर एक ना एक दिन तो मुझे तुम्हारे साथ रुखसत होना ही था ना, तो अब क्यों नहीं? हाँ हाँ ना ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? मैं सब कुछ हैंडल कैसे करूंगा, अम्मा को कैसे बताऊंगा ये? उफो शाजिब, तुम तो ऐसा परेशान हो रहे हो जैसे तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी वो नाम नेहाद बीवी मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है। हाँ है ना ठीक है, लेकिन ये सब इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा यार। अम्मी अभी अभी बीमारी से उठी, रईस मामू समेत पूरे घर वालों को जवाब दूंगा मैं। ये सब कुछ तुम्हें मुझसे निकाह करने से पहले सोचना चाहिए था शाजिब, मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ और मेरा हक तुम पर पहले है। या मैं ये समझूं कि तुम्हारे नजदीक हमारे निकाह की कोई हैसियत ही नहीं है, या तुम्हें उस समरीन के साथ रहते रहते मोहब्बत हो गई है? ना हिना प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, काम डाउन, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पता है। समरीन से जिन हालात में शादी हुई है ये तुम जानती हो, मेरा और तुम्हारा निकाह इतनी जल्दी हुआ है मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे बताऊं। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की है कि मैं दुनिया वालों के सामने छुप कर रहूं या किसी के सामने तुम्हें अपना शौहर ना बोलूं। अगर तुम अपने घर में नहीं बता सकते हो तो मैं आके बता देती हूँ। ठीक है
नाराज मत हो, ठीक है बता दूंगा, घर वालों को भी बता दूंगा, तुम्हारी अम्मी से भी मिल लूंगा बस। नाराज तो तुम मुझे कर रहे हो, और वो भी तब जब मेरी बर्थडे आने वाली है। मुझे याद है तुम्हारी बर्थडे, ऐसे याद दिलाने की जरूरत नहीं। अच्छा तो फिर क्या गिफ्ट दोगे मुझे? जो तुम कहो। अच्छा तो मैं अपनी बर्थडे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में करना चाहती हूँ। इतनी जिद्दी हो यार तुम। वो तो मैं हूँ। ए लड़की, ए कब तक नहाती रहेगी? तेरे बाप ने रखे हैं पानी के टैंकर, निकल बाहर जल्दी। सारा पानी गिरा दिया। मैं सब समझती हूँ, काम से बचने के बहाने हैं, काम चोर कहीं की। थोड़ा सा काम बोलो, नहाने घुस के बैठ जाती है, निकल जल्दी। फोन की आवाज आ रही है। अरे इसमें से आ रही है, कैसी घुन्नी मीसनी लड़की है, हैं? यहाँ छुपा करके रखा है फोन। सूरज से कैसी भोली लगती है, और करतूत देखो इसके जरा। मीसनी कहीं की। आने दो आज बिलाल, इसकी तो वो खबर लूंगी मैं, बताऊंगी कि ये करती है। जरूर ये फोन किसी इसके यार ने दिया होगा। लेकिन अगर अभी से बिलाल को बता दिया तो पता कैसे चलेगा कि कौन यार है, किससे नैन मटक्का हुआ है। छुपा देती हूँ इसको, बाद में इसकी कंसुइयां लूंगी कि हुआ क्या है, वापस रख देती हूँ। पता तो चले कौन यार बता रहे है जो उसको ये दे रहा है। अब आएगा मजा, मैं जानती थी जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी। यहाँ किन सोचों में घूम बैठी हो? सारे घर में ढूंढता फिर रहा था। ये लो। क्या है ये? भूल गई आप? अरे हफ्ते बाद आपकी बहन की बेटी की शादी है, और खुद ही तुमने कहा था कि हफ्ता पहले चलेंगे। अब परसों सुबह के टिकट है। आप मुझसे पूछ तो लेते सिद्दीक साहब, मेरा कहीं जाने का दिल नहीं है, आप ये टिकट कैंसिल करा दें। कैसी बातें कर रही हो, हमारी बहन क्या सोचेगी? उसके घर की पहली खुशी है, आपका जाना जरूरी है, और आप कह रहे हैं कि आप शामिल नहीं होंगे। फैसला हो चुका है, हम जा रहे हैं। सिद्दीक साहब आप खुद सोचिए, मैं किंजा को इस तरह अकेला छोड़ के इतनी दूर कैसे जा सकती हूँ? अगर उसे कोई परेशानी हुई तो, अगर रईस अहमद ने उसे तंग किया परेशान किया तो, उसे हमारी इस वक्त ज्यादा जरूरत है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। बस देखो बतूर, किंजा को हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए, उसकी नई नई शादी है, नए नए रिश्ते बन रहे हैं उसके, ये ना हो कि हमारी मुदाखलत से उसके रिश्तों में कोई दरार।